सोलन जिला में किन्नर समाज से जुड़े एक समुदाय ने बाहरी क्षेत्रों से आए अन्य किन्नर समाज से ही जुड़े अन्य समुदाय के लोगों पर उन्हें बदनाम करने, मारपीट करने सहित जान से मारने के आरोप लगाए। वीरवार को समुदाय से जुड़े लोग उपायुक्त कार्यालय सोलन पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से इस बाबत उचित कार्रवाई करने की मांग की। हाँ जी, जय हिंद जय भारत। मैं अम्बाले कैंट से पारू शर्मा, आज मैं यहाँ सोलन में आई हूँ प्रिया नायक के यहाँ। इसका एक चेला है चांदनी उप्र डमरू, उसने प्रिया नायक को तंग कर रखा है, उसके इलाके में ज़बरदस्ती आ रहा है, ठीक है ना, और उसे नाजायज़ धमकियाँ दे रहा है और उल्टे सिलटे लड़कों से भी फ़ोन करवा रहा है। कभी कहता है मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा, कभी कहता है मैं तुझे चकवा लूंगा। सारे सोलन के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसमें कुछ बदमाश टाइप के लड़कों को लेके उनको नशा करवा के घुमा रहा है। दो गाड़ियां पीछे होती हैं, एक गाड़ी में खुद बैठी रहती है। और ये प्रिया नायक जी बताएंगी, ये सोलन की अपनी मालक है। प्रशासन ने जो हमें बहुत अच्छी तरह समझाया और उन्होंने कहा कि हम पूरा आश्वासन दिया है कि हम उनके बारे में कानूनी कार्रवाई करेंगे। जय मां सूलनी, मैं प्रिया महंत नगली गद्दी नशीन डिनियर डिग्री कॉलेज से हूँ, रत्नी गुरु की चेला हूँ। मेरा चेला था चांदनी उर्फ डमरू, कुछ दिनों से मैंने उसको इलाका दे रखा है, दो साल से राजगढ़ का, और वो लोगों को वहाँ भी दुखी करता है, मेरे सोलन में भी दुखी करता है। मैं लोगों से भी यही गुजारिश करूँगी कि गांव है तो गांव जैसा दीजिए, शहर है तो शहर जैसा दीजिए, मगर इनको बिल्कुल भी बदतमीजी ना बर्दाश्त कीजिए। जो आपसे बदतमीजी करे आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और बधाई ना दी जाए। जो कोई परेशानी हो किन्नर समाज की तक के लिए हमारे पास आवे, मैं डिग्री कॉलेज में रहती हूँ। प्रिया के चेले आते हैं, प्रिया का फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है, प्रिया को डमरू को बधाई ना दी जाए। प्रिया के चेले आते हैं, प्रिया के चेले तो प्रिया से संपर्क किया, सिल्ली है, सिल्ली हमारी जाती है, पैर से जरा सा अप्लाई जाए, आप लोगों को पता ही है हैंडीकैप है, उसको बधाई दें और उसके एक दो चेले और जाते हैं उनको बधाई दें, और ना कि डमरू को। तो बिल्कुल वो क्योंकि नशे में पड़ गई है, इसलिए हम आप आम जनता से भी यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के, या आप लोगों को उसको बधाई देने का कोई भी बिल्कुल ना दें। प्रिया नायक को जानते हैं आप, प्रिया नायक को ही बधाई दें। हमारे से जो है वो उनको बेदखल बहिष्कार, हमारी तरफ से तो बिरादरी पूरी पंचायत की तरफ से बहिष्कार है, हम उसे नहीं जानते। हमारी बिरादरी में से भी हुक्का पानी बंद है डमरू उफ्र चांदनी का। आपके जो एरिया हैं वो बता दो एक बार। मेरा एरिया है कंडा घाट, चैल से लेके कंडा घाट, कंडा घाट से सोलन बाकना घाट, इधर है मेरा नौणी तक, गिरिपुल के पार मेरा नहीं है, मैंने अपने चेले को दे दिया। इधर मेरा देवटी सपाटू तक है, इस रोड पे इधर को मेरा बड़ोक तक है। ये सारे एरिया में मैं जाती हूँ, बट मुझे इन लोगों से डर लगता है। राजगढ़ एरिया मेरे अंडर में ही है, मेरे मुझे पंचायत ने दिया है, मेरे मालकों के बाद मुझे गद्दी दी, अब ये मेरे से छीनना चाहते हैं। और ये आपको किस तरह की धमकी? मेरे से ये लोग स्मैक पिला के लड़कों को लाते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं। इन्होंने एक साल पहले भी मेरे घर में पत्थरबाजी करवाई थी, और ये मुझे धमकी देते हैं, मेरे चेलों को धमकी देते हैं, इनको मार देंगे या इनको फेंक देंगे। उल्टा फिर ब्लेम मुझे लगाते हैं कि मैंने मर्डर करे। सबसे पहले तो मुझे इनके ऊपर मानहानि का दावा करना है, मुझे कातिल साबित नहीं करते हैं, और ये कातिल कह के मुझे जीना हराम करते, मुझे मेंटली हरासमेंट करते कि भी मर्डर किया है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैं बाइज्जत अपने सोलन से बरी हूँ, कोर्ट कचहरी से सब सबूतों गवाहों से। बट ये लोग मुझे ब्लेम करते हैं, क्रिमिनल बनने पे मजबूर करते हैं, मुझे क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, मैं नहीं बनना चाहती, मैं एक संत इंसान हूँ। अभी एडिशनल डीसी से आप मिले? मैं एडिशनल साहब से मिली, मैं मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मेरे फेवर में नहीं कहा, उनके फेवर में नहीं कहा, उन्होंने हक का कहा कि हम उनका इंतजाम उनसे उनके ऊपर बनती कार्रवाई करेंगे। हाँ। आपके एरिए में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, सर ने मुझे ये आश्वासन दिया है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दिनेश पटियाल की रिपोर्ट।